नमस्कार दोस्तों, करेटे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करेटे। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग फाइनल ईयर में और गेट और ESC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो एजुकेटर है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, टॉप एजुकेटर हैं जिनको 20 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, और जिसमें रविंद्र बाबू सर हैं जिन्होंने क्लियर किया गेट एंड ESC और जिन्होंने अपना मास्टर ISSC बेंगलोर से किया हुआ है। सुभा रेड्डी सर हैं जिन्होंने अपना मास्टर फ्रॉम IIT बॉम्बे से किया है, एंड विष्णु सर वन ऑफ द टॉप एजुकेटर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है जिनको 20 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। गेट और ESC की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप लोग अपनी गेट और ESC की प्रिपरेशन अच्छे से करके अच्छी रैंक ला सकते हो, अच्छा करियर बना सकते हो। और इसी क्रम में अनअकैडमी अपना न्यू बैच लेकर के आया है। न्यू बैच में है इवॉल्व फॉर गेट 2022 सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, असेंट फॉर गेट 2023 और उसके अलावा स्पार्क गेट 2022 जिसमें ब्रांच है CSIT एंड सिविल इंजीनियरिंग, एंड वर्विक फॉर गेट 2023 जिसमें है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मिशन DDR फॉर गेट 2022 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये जो क्लासेस हैं सारे क्लासेस वो स्टार्ट हो रही हैं फरवरी 22 से, और ये जो क्लासेस है वन अकेडमी का जो बेस्ट एजुकेटर है उनके द्वारा ये क्लासेस ली जा रही है। एजुकेटर है रविंद्र बाबू, सचित जैन, विष्णु, अंकित गोयल एंड अदर हैविंग मोर देन 50 इयर्स एक्सपीरियंस, उन लोगों के द्वारा ये क्लासेस ली जा रही है। तो जो लोग गेट या ESC का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो लोग अगर मेरा कोड करियर अड्डा यूज करते हैं तो उनको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे दिए, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो और सब्सक्रिप्शन आज ही लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर। उसके अलावा अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज लेकर के आया है SSC JEE का, और ये जो टेस्ट हो रहा है वो 28 फरवरी को हो रहा है। जनरल स्टडीज का 100 क्वेश्चन होगा, 128 मिनट होगा, और अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा ये SSC JEE का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। आप लोग मेरा जो कोड करियर अड्डा है उसको यूज करके इस टेस्ट को फ्री अनलॉक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, क्लिक करके इनरोल कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि करियर के स्टार्टिंग में जॉब क्यों चेंज करना चाहिए, वो भी आप कह लो साल भर 2 साल के अंडर में आप एटलीस्ट आपको जॉब चेंज करना चाहिए, कंपनी बदलना चाहिए। देखो इसमें मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखूंगा। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों जॉब चेंज करना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी रखूंगा कि किस टाइप की कंपनी में जॉब चेंज नहीं करना चाहिए, स्कोप अच्छा होता है। तो देखो अगर आपका करियर एक बहुत छोटी सी कंपनी से स्टार्ट होता है तो वहां पे आपको साल 1.5 साल एटलीस्ट आपको बिताना चाहिए, और बिताने के बाद वहां चीजें सीखनी चाहिए। जितना आप एड ऑन कर सकते हो, जितना चीजें सीख सकते हो एटलीस्ट सीखो, क्योंकि वही नॉलेज जो है इंडस्ट्री में, मल्टीनेशनल कंपनी में जब आप जाओगे ना तो एक पर्टिकुलर चीज पे काम होता है, और ये जो छोटी छोटी कंपनी होती है ना इनमें आप बहुत सारी चीजें होती है, मल्टीटास्किंग आप हो जाते हो, बहुत सारी चीजें सीख जाते हो। तो करियर के शुरुआत में जॉब इसलिए चेंज करना चाहिए क्योंकि जैसे मान लो आप एक कंपनी में, आपकी सैलरी है एवरेज हम कह लो 20,000 रुपए पर मंथ है, जब आप जॉब चेंज करोगे तो आपको 25-30% एटलीस्ट 20-25% से 30% ज्यादा हाइक नहीं देते हैं, तो इतना मैक्स हाइक मिलेगा। 30% अगर हाइक मिले तो लगभग 6,000 रुपए आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एक साल में अगर आपने जॉब चेंज कर दिया तो 6,000 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। सेम अगर आपने 1-1.5 साल और किसी कंपनी में किया, मान लो 2 साल किया, आपकी सैलरी यहाँ पे 26-30 हजार रुपए हो गई, फिर आपका इंक्रीमेंट हुआ वहां पे आपका 9,000 का इंक्रीमेंट होगा अगर 30% इंक्रीमेंट होता है, तो मतलब 2 सालों में फिर आपकी सैलरी 9,000 रुपए बढ़ गई, मतलब आपकी सैलरी 40,000 रुपए हो गई। तो स्टार्टिंग में जॉब आप जब चेंज करोगे ना तो एक हाइक अच्छी खासी आपको मिल जाती है। जब आप किसी एक ही कंपनी में लंबा टाइम गुजार लोगे तो वहां पे ज्यादा हाइक नहीं, 5%, 10%, 15%, इससे ज्यादा आपको हाइक नहीं देते हैं वो। लेकिन जब आप जॉब चेंज करते हो तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहां पे आप अपना करियर और पैसा दोनों अच्छे से कमा सकते हो। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिसमें जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनियां आपको दामाद बना करके खिलाती रहेंगी और आपको जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं, उसमें भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, और भी ऑटोमोबाइल की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उसमें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिकल की कंपनी हो गई, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें लंबा फ्यूचर आप लेके जा सकते हो। लेकिन
उसमें भी आपको ट्राई करना चाहिए कि मान लो मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब स्विच करो, वहां पे आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाएगा। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो SCL विप्रो जैसी कंपनियों में जॉब करते थे, 15,000-10,000 से करियर स्टार्ट किए, फिर उन्हीं कंपनियों में रोटेशन होता रहा, कभी विप्रो कभी SCL कभी कन्वर्जेस, इस टाइप की कंपनियों में उनकी पैकेज 11 से 12 लाख पर एनम की आज पैकेज है। अगर वो लोग जॉब चेंज नहीं किए होते, डरे होते कि नहीं यार अरे मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे जॉब नहीं चेंज करना, पता नहीं नया ऑफिस कैसे होगा, इन सब चीजों को माइंडसेट से हटाना है। स्टार्टिंग में आपको पैसा कमाना तो पैकेज पैसे पे फोकस करिए। तो जब भी आप जॉब चेंज करने जाएं तो स्टार्टिंग में 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी है टाइम सीखे, उसके बाद थोड़ा सा स्विच मारे 1-2 कंपनीज में कि आपकी जिससे हाइक हो सके, इंक्रीमेंट हो सके और आपका पैसा बढ़ सके। अनलेस आप क्या करने आओ, पैसा ही कमाने आओ, जब पैसा नहीं तो फिर किस चीज पे बात करना है। तो ऑब्वियसली आपको ये माइंडसेट में रखना होगा और उसी अकॉर्डिंग अपनी करियर को लेके जाना होगा। तो जॉब इसीलिए चेंज करना जरूरी है, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। और होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।